बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज जो हैं कि डेफिनेशन, बोथ स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी मेटर की क्वांटिटीज हैं, और इन्हें जो है वो टू मेन हेडिंग्स में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, वेक्टर्स में एंड स्केलर्स में। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे मैग्नीट्यूड यानी कोई नंबर हो या साइज और साथ में कोई डायरेक्शन हो, कि यानी एक स्पेसिफिक नंबर भी हो और किसी कोई डायरेक्शन किसी तरफ जा रही हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ ऑफ ईस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट एक्सेट्रा। इस तरह से जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज को होगा, ओनली मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो वहाँ पे कोई नंबर की आप बात कर रहे हैं या किसी साइज की बात कर रहे हैं, नंबर में से आप कह रहे हैं कि 2 किलो, ठीक है, या टेम्परेचर की आप बात कर रहे होते हैं कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से, या आप स्पीड की जो है वो 60 किलोमीटर साल के तौर पर प्रेशर, तो ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा साथ में डायरेक्शन भी होगा, तो जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों मिल जाएंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और सिर्फ जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये दोनों मिकदार हैं जिनका वेरिएशन ये है। इनकी रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स में। आप वेक्टर जो है वेक्टर क्वांटिटी को कैपिटल लेटर से सच एज ए बी सी डी इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लिखा जाता है, और इनके ऊपर एक एरो होता है, इस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक के ऊपर जो है वो एरो है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अलबत्ता जब आप बगैर एरो की बात करेंगे, ये यहाँ पे जिस तरह आपको वेक्टर नजर आ रहा है और ये मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होगी। तो जब आप इसके ऊपर जो है वो एरो दे देंगे तो फिर वो वेक्टर हो जाएगी, एरो नहीं देंगे तो फिर स्केलर क्वांटिटी होगी। ये टाइप्स हैं वेक्टर्स की। नल वेक्टर होता है, यानी इसको कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। पोजीशन ऑफ वेक्टर, उसमें हम देख रहे होते हैं कि जो वेक्टर है वो कहाँ से जो है शुरू हो रहा है, और फ्री वेक्टर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी शुरू हो सकता है, इसीलिए उसे फ्री वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर जो है हम उसे कह रहे होते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा वन हो, और इक्वल वेक्टर जो है वो हम उन वेक्टर्स को कह रहे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर हो, सेम हो, और उनका डायरेक्शन जो है वो भी सेम हो। अपोजिट वेक्टर्स हम उन्हें कहते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो तो बराबर हो लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो या अपोजिट में हो। सपोज एक अगर ईस्ट में जा रहा है तो फिर दूसरा वेस्ट में, इसी तरह से अगर एक साउथ में जा रहा है तो फिर दूसरा जो नॉर्थ में, तो उन्हें हम अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स की कि ओनली वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड टुगेदर, यानी अगर एक किस्म की वेक्टर्स हैं तो आप उन्हें जो है वो आपस में जोड़ सकते हैं। फिर आगे अगर टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड टुगेदर तो आप टेन रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आप दो या उनसे ज्यादा वेक्टर्स जो आपस में जोड़ सकते हैं और फिर आप उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो है वो एक तो तरीका है कि उनमें हेड एंड टेल ला जो यूज़ किया जाता है उसको हम आगे देख रहे हैं। दूसरा ये कि आप उनके मैग्नीट्यूड जो है वो भी इस तरह से आप जोड़ के तो रिजल्टेंट वेक्टर ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो आप उन्हें मिला के रिजल्टेंट वेक्टर ले सकते हैं। ये इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से ये जो है वो ये एडिशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं और ये सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो आपको नजर आ रही है कि आप उस डायरेक्शन में, तो यानी ये मैग्नीट्यूड इसकी ए के मैग्नीट्यूड से माइनस करेंगे जो बचेगा, फिर वो यहाँ पे आप जो यूज करेंगे। इसी तरह से एनी सिंगल वेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड एज टू आर मोर कंपोनेंट वेक्टर्स। तो जब आप इनके जो है वो कंपोनेंट्स देखेंगे तो फिर हम यहाँ पे इसको जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको भी जो है फाइंड कर सकते हैं। इसको हम पैरेललोग्राम ला भी कहते हैं, आगे हम इसको भी देख रहे हैं। इसी तरह से आप जो है ये वेक्टर्स जो है ऐड करते हैं, क्योंकि ये आप
एक आर्टिफिशियल रूल है या एक आर्टिफिशियल वे है जिसमें आप ग्राफिकल टेक्निक जो यूज कर रहे होते हैं वेक्टर्स को एड करने की। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो है वो बॉल और साथ में रैकेट है, तो ये आप यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप देख रहे हैं ये एक लाइन ड्रा की हुई है। तो ये इसकी एक सर्टन लेंथ है, से कि आप सपोज कहें कि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये जो है वो लेंथ ऑफ एरो है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यानी नंबर हो जाएगा 20, 10 जो भी नंबर इसका होगा। और इसी तरह से ये जो एरो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे हम इसको वेक्टर कहेंगे क्योंकि ये एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है और साथ में इसका एक सर्टन मैग्नीट्यूड भी होगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो ये वेक्टर है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिकल इस तरह कर रहे होते हैं कि जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में आप ड्रा करेंगे और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा ये कुछ और वेक्टर की जो है वो टाइप्स हैं, ये आपको काफी ज्यादा आगे काम आएंगे। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जो है वो एक ही वेक्टर होता है जो कि डिफरेंट जो है वो यानी डायरेक्शंस पे एक कर रहा होता है, लेट्स से कि एक्स वाई एंड जेड, यानी उसमें जो है वो एंगल्स भी बनेंगी साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा जो है उन पे, तो यानी एक ही वेक्टर के हम डिफरेंट डायमेंशंस देख रहे होते हैं। इसमें ये है कि a unit vector is that vector which is a vector of unit magnitude and points a particular direction. The unit vector in the direction of a and is defined by कि ये इसके vectors जो हैं यहाँ पे x, y and z axis पे। तो ये unit vectors की symbol है i, ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर cap होती है, इसके ऊपर होती है j and k, ये unit vectors कहलाते हैं। unit vector को i, j, k आमतौर पे इन स्मॉल लेटर से शो किया जाता है, इनके ऊपर एक कैपिंग दी जाती है, जिस तरह ये कैपिंग है ये इसके ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई जे एन के, तो ये रेस्पेक्टिवली आई जो है वो एक्स एक्सिस पे यानी कॉस थीटा को शो कर रही होती है और जे जो है वाई एक्सिस पे यानी ये साइन थीटा को, और इसी तरह से के जो है वो जेड एक्सिस पे डाउनवर्ड जिससे आप जो है वो टेन थीटा कह रहे होते हैं। इसी तरह से इक्वल वेक्टर्स हम उन्हें कह रहे होते हैं कि इक्वल वेक्टर्स जो जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि जिनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है और साथ में उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होता है। तो इसी तरह से जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर ये किस्म का हो रहा होता है कि जीरो वेक्टर में जो है वो मैग्नीट्यूड आमतौर पर जो है वो जीरो होता है और उसे जिस तरह आप नल सेट को शो कर रहे होते हैं उस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। तो ये जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक वेक्टर है नॉर्मल, लेकिन ये जीरो वेक्टर है कि ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे है, ना कोई डायरेक्शन है ना कोई मैग्नीट्यूड है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जीरो वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर तो आपको पता ही है कि वो सपोज ए वेक्टर है, आप उसका अगर कोई नेगेटिव वेक्टर बना रहे हैं तो वो नेगेटिव वेक्टर उसका बी बनेगा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। नेगेटिव वेक्टर का यानी मैग्नीट्यूड बराबर होता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी होती है, चेंज होती है, तो उसको आप साइन जो है वो नेगेटिव की लगा रहे होते हैं माइनस की तरह। पैरेलल वेक्टर्स हम पहले इनको हम देख के आए हैं कि वो आमतौर पे सेम डायरेक्शन में जो है वो जा रहे होते हैं, उन्हें हम कह रहे होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर्स का बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर होगी। डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन मैग्नीट्यूड में वेरी। इसी तरह से कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, वो किसी एक ही प्लेन पे, जिस तरह आप पढ़े होते हैं केमिस्ट्री में और सॉरी फिजिक्स में कि प्लेन जो है उस पे जब आप ड्रा कर रहे होते हैं तो वो पैरेलल होते हैं यानी सेम प्लेन पे ड्रा किए जाते हैं, तो उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स जो है वो कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो रेफर कर रहे होते हैं कि आप जो है वो कौन सी पोजिशन जो है वो वेक्टर को दे रहे हैं या कहाँ से आप ड्रा करें या कहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसे जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। अब है ये हेड टेल लॉ, ये जो लॉ है हम एडिशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आप वेक्टर्स को एड कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सपोज करें कि वेक्टर ए जो है मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और ये जो वेक्टर बी है ये जिस डायरेक्शन में ड्रा किया हुआ है ये
ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ठीक है। तो जब आप इन्हें आप आपस में ऐड करेंगे तो हेड टू टेल ला, हेड टू टेल ला मीन्स कि ये जो है ये हेड होता है वेक्टर का एरो वाली साइड, और यहाँ से ये इसकी जो है वो टेल होती है, यहाँ से ये ओरिजिन कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो उसको टेल कहा जाता है। तो ये यानी हेड ऑफ वेक्टर ए जो है ये आप कनेक्ट करेंगे विद द टेल ऑफ वेक्टर बी, लेकिन ड्रा आप उनको उन्हीं डायरेक्शंस में करेंगे, जिस तरह यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि ए वेक्टर जो है इज ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, और इसी तरह से जो बी वेक्टर है अगेन ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन। फिर आप यहाँ पे रिजल्टेंट की लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, फिर आप उसको मेजर करेंगे, तो जितनी भी होगी यानी वो उसका रिजल्टेंट होगा। तो ये इस तरह से एडिंग जो है वो ला वेक्टर्स का यूज किया जाता है, यानी एडिंग ऑफ वेक्टर्स में हेड टू टेल ला। यही ला हम जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हेड टू टेल ला ही, सिर्फ सब्ट्रैक्शन जो है वो उसमें अपोजिट होता है। सपोज यहाँ पे आप जिस तरह देख रहे हैं हमें दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। आपने क्या करना है कि आपने वेक्टर पी को क्यू के साथ उससे माइनस करना है। तो पी के आगे कोई साइन नहीं है तो से के इसमें प्लस है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होती तो प्लस होती है, तो ये जो माइनस है ये क्यू की साइन है। तो पी जो है वो प्लस और क्यू जो है उसका नेगेटिव। तो पी जो है वो अगेन हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो है वो डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट में, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ईस्ट में, तो यहाँ पे जो क्यू है ये यहाँ पे जिस डायरेक्शन में है नॉर्थ ऑफ ईस्ट में है, तो आप उसको यहाँ पे उल्टा कर लेंगे, यानी आप इसको साउथ ऑफ वेस्ट में कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि पी एंड क्यू और उसके बीच में आप रिजल्टेंट लाइन ड्रा करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम की। तो फिर आप उसमें से जो उसका आंसर होगा वो आप आंसर ड्रा कर लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्यू जो है आपने इसको जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है जब इसको मेजर करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। सेम लॉ है, हेड टू टेल लॉ इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की जाती है। इसके बाद है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि एक वेक्टर जो है वो दो रेजोल्यूशन में आमतौर पर हम उसको मेजर करते हैं। ये भी पैरेललोग्राम का लॉ ही है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आप एक्स एक्सिस पे जो है वो एक करता हुआ नजर आ रहा है, और ये यहाँ पे जो है वो वाई एक्सिस पे है। हम इसमें बेसिकली जो है वो देख रहे होते हैं कि जो वेक्टर है वो कितना अपना जो फोर्स है वो एग्जर्ट कर रहा है इन एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, यानी हम इसको जो है वो रिजॉल्व कर रहे होते हैं टू कंपोनेंट्स में, यानी एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, जिसे कहा जाता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो फिर यहाँ पे हम इनका मैग्नीट्यूड जो है वो देख रहे होते हैं। तो फिर जो भी होगा, आप वेक्टर ए है तो फिर आप उसमें जो है वो साइन थीटा उसका वैल्यू जो एंगल का होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लॉज है। आगे हम इसी टॉपिक पे इसी सेशन में आगे इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे लास्ट में, तो वहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये बेसिकली हम किस तरह से इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो मेजर कर रहे होते हैं। कि एक वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर एक कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे उसका जो है वो क्या वैल्यू होगा और वाई एक्सिस पे उसका क्या वैल्यू होगा, ये है पैरेललोग्राम लॉ। एक तो हेड टू टेल लॉ होता है जो सिंपल होता है, स्ट्रेट होता है। इसके अलावा ये आप जो है वो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो भी आप जो है आमतौर पर यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ए हेड टू टेल लॉ। तो इसमें ये है कि ये आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो दो एरो वेक्टर्स जो हैं यहाँ पे, लेट से कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये इसकी रिजल्टेंट लाइन आप देख रहे हैं इस तरह यहाँ पे आपको ट्राइंगल में जो है वो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो इनमें जो स्पेस है, ये अगर आप इन इस पूरे स्पेस को आप अगर वैसे स्केल से मेजर करके देख लेंगे तो ये रिजल्टेंट के बराबर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो वेरिएशन ला रहे हैं कि आप दोनों वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर, यानी टेल ऑफ वेक्टर ए इज जॉइंड विद द टेल ऑफ वेक्टर बी, तो ये पैरेललोग्राम है। वैसे तो हम एडिशन में जो हेड टू टेल ला है उसमें हम हेड और टेल को आपस में जोड़ रहे होते हैं, लेकिन आप दोनों टेल्स को भी जोड़ के तो आप उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंप्लीट द पैरेललोग्राम
रिजल्टेंट इज फाउंड बाय ड्राइंग द डायगोनल. जब आप ये डायगोनल ड्रा करेंगे तो रिजल्टेंट उसमें से आपको आ जाएगा. तो आप इसकी जो है वो एक ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ से. तो फिर आप जब इसको देखेंगे तो ये इसका जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा. इसके अलावा आप अगर मैग्नीट्यूड्स जो हैं वेक्टर्स के, तो सपोज कि आपके पास स्केल नहीं है, आप मेजर नहीं कर रहे उसको, या आपने स्केल से मेजरमेंट की है और फिर भी आपको कहीं पे कोई इशू आ रहा है कि आप समझते हैं कि पता नहीं कि ये सही भी है कि गलत है, मैंने प्रॉपर लाइन्स ड्रा की हैं कि नहीं एग्जैक्ट एक्यूरेट, तो इस सूरत में आप ये एक और मेथड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड 11 है और ये एक दूसरा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी 11 है. तो अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसमें आप उसको स्क्वायर देंगे और बी का जो मैग्नीट्यूड है उसे भी आप स्क्वायर देंगे, तो ये आगे रिजल्टेंट भी स्क्वायर में हो जाएगा. अब आपने इनके जो है वो स्क्वायर यानी 11 को 11 से स्क्वायर करेंगे तो 121 और इसी तरह से 121 सेकंड का भी होगा. तो जब आपने इनको प्लस किया तो ये हुए 242. तो फिर 242 ये जो है वो फिर होल स्क्वायर है, तो इसको आप स्क्वायर रूट को जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 15.6. ये इसका रिजल्टेंट होगा 15.6. तो आप इस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि आप मैग्नीट्यूड्स को स्क्वायर में प्लस करके फिर आप उनका स्क्वायर रूट निकाल लें. ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है और ये जो फोर्स है इसका 400 न्यूटन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है. अब हम इसको जो है वो देखेंगे कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कि ये कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. इसका ओवरऑल जो फोर्स है जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो तो 400 है, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो इनके कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे ये वेरी करेगा. तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे जो है वो कौन सी एंगल बनेगी, कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे जो है वो एंगल बनेगी साइन थीटा. तो ये 60 डिग्रीज की एंगल है, दोनों के लिए कॉमन है. तो आप एक्स एक्सिस पे जिस तरह ये है, ये इसकी फार्मूलेशन है कॉस थीटा जो है कॉस 60 डिग्रीज एंगल इज इक्वल टू एफ एक्स एंड 400 न्यूटन. तो यहाँ से आपने जो है वो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे जो फोर्स है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और रखेंगे 400 न्यूटन एंड कॉस थीटा 60 डिग्रीज. तो कॉस थीटा 60 डिग्रीज का जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 0.5, वो 0.5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा. इसी तरह से साइन थीटा, ये फार्मूलेशन जिस तरह यहाँ पे ऐसे ही है, आपने ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसको जो है वो, क्योंकि आपने ये फोर्स वाई एक्सिस पे जो एक्ट हो रहा है वो आपने मालूम करना है, तो इसी तरह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 400 न्यूटन विद साइन थीटा 60 डिग्रीज जो इसका वैल्यू होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. तो ये इसका जो वैल्यू है वो 0.86, तो उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आपको पता हो जाएगा कि ये कितने फोर्स के साथ एक्ट कर रहा है ऑन वाई एक्सिस, सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस. तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं ये इसी तरह से होते हैं, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं. तो आप ये जो फार्मूलेशन है ये अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो है वो इस तरह कितना फोर्स जो है एग्जर्ट हो रहा है किसी भी एक वेक्टर का. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे शायद. सपोज कि ये हमें एक 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 ट्राइंगल है, आप देख रहे हैं कि इसकी ये एडजेसेंट साइड है और ये परपेंडिकुलर साइड है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है. तो ये टोटल जो है वो इससे 6 एंगल्स बनती हैं ट्राइंगल से. आप देख रहे हैं साइन, फिर कोसिन, टेंजेंट, फिर कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट, ये 3 हैं. तो ये आप देख रहे हैं कि ये कौन सी साइड्स हैं जिससे साइन बनता है, इसी तरह से ये कौन सी साइड्स हैं कि जिससे कोसिन बन रहा है, और कौन सी साइड्स हैं कि जिससे टेंजेंट बन रहा है. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख रहे होते हैं, इसे कॉस लिख रहे होते हैं, इसे टेन लिख रहे होते हैं,
और कोसेकंड को हम इस तरह से लिख रहे होते हैं, सेकंड को हम इस तरह से लिख रहे होते हैं, कोटेंजेंट को हम इस तरह से लिख रहे होते हैं, और ये रेस्पेक्टिवली सबके जो है वो साइड्स कौन कौन सी साइड्स में आपस में इंटरेक्ट करेंगी। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो जो रेशोज हैं, ये उनके वैल्यूज हैं कि 0 डिग्री पे अगर साइन थीटा होगी तो उसकी क्या वैल्यू होगी, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कोसेक, इस तरह से ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से 30 डिग्रीज में भी ये पूरा है, 45 डिग्रीज में भी, 60 डिग्रीज में भी, 90 डिग्रीज में भी। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू लिखेंगे और साथ में ये सारी जो है वो एब्रीविएशंस जो है वो लिखी होती हैं इनकी एंगल्स की, जस्ट आप उनको क्लिक करते हैं तो आपको उनका वैल्यू जो है मिल जाता है। इसी तरह से ये आप अगर आप इनको वैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये दिए हुए फार्मूलेशन, तब भी आपको इनके वैल्यूज जो है वो मिल जाते हैं। और फिर ये आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह एक्स एंड वाई कंपोनेंट मैंने आपको बताया, या समटाइम्स इवन कि आप अगर जेड जेड जो है वो उनका जो है वो यानी एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट जैसे आप 10 कंपोनेंट कहेंगे, अगर वो भी आपने फाइंड आउट करना है तो इसी तरह से कर रहे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपकी बुक्स में ये वैल्यूज दिए हुए होते हैं उसमें जो है वो बेसिक जो उनके वेरिएशन हैं वो सारे डिटेल में वैसे डिस्कस होते हैं। जब भी आप कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने अगर फाइंड करना है या आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने वेक्टर का फाइंड आउट करना है तो ये आप रेशियोज वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर था। आई होप कि आपको ये स्केलर एंड वेक्टर्स और उनके डिफरेंट टाइप्स वेरिएशंस जो है वो समझने में काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही फिजिक्स में, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज़।